नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। आज हाल ही में मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है, कक्षा 10th और 12th का, जिसमें शिवपुरी के रंगड़ रेनबो स्कूल छत्ती रोड स्थित तनिष्क बंसल ने 10th क्लास में 9th पोजीशन हासिल की है। इसी तारतम्य में हम अभी मौजूद हैं रंगड़ रेनबो स्कूल में और उनसे चर्चा करेंगे। बेसिक चर्चा में जानेंगे कि किस तरह उन्होंने प्रिपरेशन की और किस तरह इस मुकाम को पाया। तो तनिष्क जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फास्ट समाचार में। धन्यवाद। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो बधाइयों का तांता लगा होगा, फ़ोन आ रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत रिश्तेदारों के फ़ोन भी आ रहे हैं और हमारे शिक्षकों के भी फ़ोन आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है और हमारे जो माता पिता हैं उन्हें भी गर्व महसूस हो रहा है। तो आप ये बताइए कि आपने किस तरह प्रिपरेशन की, किस तरह से आपको मतलब पहले से आपका था कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना है इस तरह की? मैंने पूरी जो प्रिपरेशन है वो अपने स्कूल से करी, क्योंकि जब कोरोना का टाइम आ गया था तो हम ट्यूशन्स वगैरह भी कहीं नहीं जा पा रहे थे, तो पूरी तरीके से मैंने स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उन पर रिलाई किया और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी स्कूल में उसी से हमारे टीचर्स ने हमारे डाउट क्लियर करे, हमें रोज़ होमवर्क दिया जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो स्कूल का बहुत बड़ा योगदान था, जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को गाइड किया और वाजपेयी सर स्पेशली उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। स्कूल को आने में मेरे को शांति स्वरूप सर जो हैं उन्होंने प्रोत्साहित किया, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे आ पाए। कोरोना के बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि एक चुनौती है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आप 2 साल से घर पर थे, उसके बाद वापस स्कूल में आना और फिर से उसी माहौल में ढालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी कभी कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि स्कूल आने के बाद भी जितने अच्छे से टीचर्स पहले पढ़ाते थे उतने अच्छे से ये पढ़ा रहे थे, इस वजह से बहुत अच्छा। अच्छा, मेरिट में आपकी 9वीं पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा कम रह गया है और ज़्यादा मुकाम पाना चाहते थे? अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अब प्रयास ये है कि आगे जो भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे स्टेट लेवल के और इवन इंडिया लेवल के, उस पर और अच्छे से मुझे परफॉर्म करना है। अच्छा, आगे 12th की क्या प्लानिंग है? मैं 11th में मैथ्स सब्जेक्ट ले रहा हूँ और मैं IIT JEE की जो प्रिपरेशन है वो करना है। 12th में क्या लेना चाहेंगे कि इससे ऊपर जाना है? बिल्कुल, अभी 9th पोजीशन है, अब ट्राई करेंगे कि इससे भी और अच्छा जो पोजीशन है वो मेरिट लिस्ट में आए। तो क्या घर का क्या माहौल है, जब से घर पे मालूम चला है तो घर की क्या स्थिति बनी हुई है? घर पे मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं और जो भी चाचा हैं और दादा दादी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, क्योंकि मॉरल सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए, जो मेरे घर वालों ने मेरे को प्रोवाइड किया और घर पे काफ़ी खुशी का माहौल। अच्छा, फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली में पापा क्या करते हैं, मम्मी, घर में भाई बहन कितने हैं? मेरी एक छोटी बहन है जो 7th क्लास में है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरे पापा जो हैं वो जनपद में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं। तो और बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे जो लगातार, कहीं आपने हाथ से भी सुने हैं कि नहीं कोई डाउन हो जाता है, कोई फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी एक क्लास की जो परसेंटेज है वो आपके करियर डिसाइड नहीं करती, वो आपके करियर का एक पाथ ज़रूर डिसाइड कर सकती है लेकिन वो आपके करियर का जो एक आउटकम होगा वो उसे डिसाइड नहीं करती। और जब भी आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एक एग्ज़ाम की, तो जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका टीचर है, उस पर पूरी तरीके से विश्वास करें, वो जो भी कह रहा है उसे फॉलो करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डिसिप्लिन से पढ़ाई करें, यही मैं कहना। तो देखा आपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसी एक क्लास की परसेंटेज पूरे ज़िंदगी का मायने नहीं रख सकती, हमेशा उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं और उनसे संभलना ही ज़िंदगी का मकसद होता है। इसी तारतम्य में हमारे साथ तनिष्क के चाचा जी भी मौजूद हैं। क्या कैसा लग रहा है आपको? जी, स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली सागर में निवास करता हूँ, आज ही आया और मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली रिजल्ट आया, सर का कॉल आया कि यहाँ पे आना है, तो सर से भी मिला या प्रशासन से मिला, पहली बार ऐसे स्कूल में मेरा आना हुआ, काफ़ी अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूल प्रशासन का। मैंने मैनेजमेंट भी देखा, सर से मुलाकात हुई, सर से भी मिला और सबसे बड़ी बात, मुझे पढ़ाई चली स्कूलों में सब में होती है, सबसे अच्छी बात लगी मुझे मोरल सपोर्ट। सर ने जिस तरह से मार्गदर्शन दिया कि बेटा 10th में आपने जो परसेंटेज हासिल की है वो ठीक है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं दी, लेकिन हमको ये बना के रखना है, यहाँ तक हम आए हैं तो उसको ठहरना भी है, और 12th में जैसा सर आपने पूछा है 12th में और ऊपर जाना है, आगे तैयारी करनी है और ये बात हमारे पूरे जीवन को लागू होनी है, आगे बढ़ते जाना है, अपना मोरल बना के रखना है। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिली है कि तनिष्क के आप चाचा जी हो, आप यहाँ आए हो लेकिन पापा मम्मी फैमिली में से कोई भी नहीं आया, तो ज़्यादा लगाव क्या रहता है आपका? नहीं, एक्चुअली लगाव सभी से बराबर है,
जो बताया भैया ने कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं वो करेरा में है, तो अपनी ड्यूटी पे हैं, मैं था फ्री छुट्टी पे, तो मैं आया, लेकिन मैं मानता हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली कि इस स्कूल में ऐसे प्रबंधन से, जैसे सर से, टीचर से, गुरुओं से मुझे मिलने का मौका मिला, उसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, स्पेशली आप वैसे ही आना हुआ था या फिर आपको पता चला उसके बाद आप यहाँ आए? नहीं नहीं, स्कूल से तनिष्क जी के पापा मतलब भैया को कॉल आया था, वो आ नहीं सके थे, उनका कॉल आया कि आप चले जाओ लेके, तो इतनी खुशी का मौका है तो मुझे आने का, इसलिए मुझे मौका मिला यहाँ पर, मैं आया। अच्छा, क्या माहौल है घर का? कि घर पर खुशी का माहौल है, शाम को हम लोग मंदिर जाएंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको बनाए रखे, आगे भी तैयारी करें, इसी तरह खुशियों का माहौल बना रहे। तो रंगड़ रेनबो स्कूल से हमारे साथ सर भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है कि इनके स्कूल के बच्चे तनिष्क ने मध्य प्रदेश में नवी मेरिट सूची में 9th रैंक हासिल की है। सर, कैसा लग रहा है आपको? सर, स्वाभाविक है कि जब एक लंबी यात्रा रहती है, बच्चे भी तपस्या करते हैं, स्कूल का सारा स्टाफ जिस तरह से हार्डवर्क करता है, और इस तरह से जब बच्चे हमें रिजल्ट देते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आज सेलिब्रेशन का माहौल है, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए लगातार ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले जब 2019 में भी जब स्टेट मेरिट में हमारा बच्चा फर्स्ट आया था, हमारी अनुष्का गुप्ता, उसने स्टेट मेरिट में मतलब 12th क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आई थी, और देट वॉज ए अगेन जुबिलेंट मोमेंट फॉर वी पीपल। और आज हमारे लिए दो दो हमारे लिए मिला है, एक हमारे तनिष्क ने हमको 10th क्लास में 9th रैंक लेके आया है स्टेट में, और सेम वे हमारे यहाँ की जो जेबा खान है, रिजा खान, वो कॉमर्स की बच्ची है, 12th क्लास में उसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है कॉमर्स सेक्शन के अंदर। तो मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों ने जो मेहनत की है, जो उन्होंने हम लोगों को कोऑपरेट किया, सारे स्टाफ को जिस तरीके से कोऑपरेट किया, और पर्टिकुलरली जैसे बच्चे ने बताया भी कि कोरोना काल में जो बच्चों का जो स्टडीज़ का जो लॉस हुआ था उसको उन्होंने कंपनसेट किया, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और साथ में कंधे से कंधा मिलाया स्टाफ के साथ में, दोनों मेहनत की है, और आज इस मुकाम पे हम आए, तो निश्चित आज हमारे लिए एक बहुत उपलब्धि का दिन है, खुशी का दिन है। सर, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करें तो किस तरह की स्टेज रहती है कि आपकी, किस तरह उनको सिखाना चाहिए, किस तरह उनको शिक्षा देनी चाहिए, कोई प्लान किसी तरह तैयार किया जाता है? देखिए, बिल्कुल, आज जब भी हम किसी परिणाम को अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उसे शॉर्टकट्स में तो लेके नहीं चल सकते हैं, उसके लिए सिस्टमेटिक एक प्लानिंग करनी पड़ती है। दोनों ही बातें हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट मेंटेन रहे, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, और बच्चों का जो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जैसे इस बच्चे का अभी डिसीजन है कि उसे आगे जेई को क्रैक करना है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हम पार्ट एंड पार्सल उसके साथ में लेके चलते हैं। और बच्चों को छोटे छोटे मतलब बड़े प्लान को छोटे प्लान्स में लेकर डिवाइड किया जाता है, ताकि बच्चों को किसी भी तरह का स्ट्रेस उसके अंदर ना हो। ये हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, हम बच्चों को कभी भी इस तरह से ओवर बर्डन या उनको कभी भी स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं लाने देते, ये पूरा प्रयास हम लोग इसमें करके चलते हैं। तो सुना आपने तनिष्क बंसल को भी सुना, उनके चाचा जी को भी सुना, और सर को भी सुना कि किस तरह से बच्चों को अपना एम पाने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, और लगातार तनिष्क ने भी अच्छी बात कही थी कि एक क्लास की परसेंटेज आपकी पूरी ज़िंदगी के मायने नहीं बदल सकती, तो बने रहिए आगे भी फर्स्ट समाचार के साथ।